नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2, इसका थर्ड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं कि px हमें दिया है x क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 और gx हमें दिया है x माइनस 3। ठीक है, तो हमें देखना है कि क्या gx px का गुणनखंड है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले gx जो दिया है हमें x माइनस 3, इसको x माइनस a से मिलाएंगे। देखो x माइनस, तो एक इसके बराबर आ गया 3 के बराबर, एक इसके बराबर आ गया 3 के बराबर। अब यही a की वैल्यू हम इस बहुपद में x की जगह लिखेंगे, p ऑफ x की जगह अब बन गया p ऑफ 3। तो इस x की जगह 3, 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस 6। आइए देखते हैं, 3 का क्यूब होता है 3 × 9 = 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 3 और 6 हो गया 9, तो ये हो गया 27 माइनस 9 चौके 36 प्लस 9। देखो 27 और 9 ये प्लस वाली संख्या है, इनको अलग से प्लस कर लो, 27 और 9 36, 36 माइनस 36 ये आ गया 0, ये आ गया 0। तो बच्चों p ऑफ 3 0 के बराबर है, तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि p ऑफ a बराबर 0 है तो gx px का गुणनखंड होगा। यदि यह 0 नहीं आता तो हम कहते gx px का गुणनखंड नहीं होगा, तो gx px का गुणनखंड है। यदि यह 0 नहीं आता तो हम कहते gx px का गुणनखंड नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको यह भाग पसंद आया होगा। यदि आपको यह समझ आया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।